हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम विवेक दत्ता। आज हम राजस्थान की एक और ब्यूटीफुल सिटी उदयपुर विजिट करने आए हैं, जहाँ पर मल्टीपल लेक्स, माउंटेन्स एंड हिस्टोरिकल पैलेस सारे एक ही जगह पे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आज हम विजिट कर रहे हैं वो है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी जो है वो महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा बनाया गया है। सहेलियों की बाड़ी जो है वो महाराजा ने लेडीजों के लिए बनवाया था। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये मल्टीपल फाउंटेन, बहुत सारे फाउंटेन हैं इसके अंदर, और ये जो फाउंटेन है ये किसी मोटर के थ्रू नहीं चलता है। ये यहाँ पे जस्ट बगल में ही लेक है, वहाँ से ये सारा पानी आता है, और उस लेक की जो लेवल है वो इस फाउंटेन से ऊंचा है, और ये सारा पाइप के थ्रू आता है वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी मोटर नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है, फील आता है कि बारिश हो रही है। आप कभी भी यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बारिश जैसी फीलिंग होती है। महाराजा ने अपनी बेटी के लिए, राजकुमारी के लिए ये फाउंटेन बनवाया था। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है सिटी पैलेस, क्योंकि यहाँ से बगल में ही सिटी पैलेस है, तो पहले हम सिटी पैलेस विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं सिटी पैलेस। दोस्तों, सिटी पैलेस को लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर म्यूजियम है महाराणा प्रताप का, और जितने भी राजा हुए थे राजस्थान में उनकी सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं, आप सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है सिटी पैलेस। इसको बनने में 400 साल लगे थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी पैलेस को बनने में 400 ईयर्स, जी हाँ, ये 400 ईयर्स लगे थे इसको बनने में। यहाँ पे ये महाराणा प्रताप जी का कक्ष है, उनका सामान यहाँ पे रखा हुआ है वो जो यूज करते थे। पैलेस से बाहर का व्यू मैंने अभी आपको दिखाया था।
अभी भी उदयपुर में जितने भी पैलेस हैं उनका सबका मालिकाना हक वहाँ के राज परिवार के पास ही है, और हर पैलेस का कुछ जो पार्ट है वो पब्लिक के लिए इन्होंने खोल रखा है। तो अब हम पहुंच गए हैं जगदीश टेंपल, जिसे 1651 में महारो गुज्जर आर्किटेक्ट के स्टाइल में बनाया गया है। ये उदयपुर का सबसे बड़े मॉन्यूमेंट में से एक है। और अब हम पहुंचे हैं दूध तलाई लेक। इसके एक साइड फतेहपागर लेक है और दूसरी साइड करनी माता का मंदिर है, और इसके ठीक बगल में ही म्यूजिकल फाउंटेन गार्डन है जहाँ पे शाम को म्यूजिकल फाउंटेन होता है। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, या तो हम क्या कहते हैं उसके थ्रू जा सकते हैं, रोपवे के थ्रू जा सकते हैं, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं। रोपवे से 5 मिनट के आसपास लगता है जाने में, और सीढ़ियों से लगभग आधे घंटे के आसपास लग जाता है क्योंकि चढ़ाई है, पहाड़ पे है। करनी माता मंदिर के ठीक पीछे दरगाह है जिसको तोप वाले बाबा का दरगाह भी कहते हैं। यहाँ से उदयपुर सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, पूरा उदयपुर दिखता है यहाँ से। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से और लेक पे चौला चलते हैं। लेक पिचौला पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग हाई स्पीड बोटिंग होती है, नॉर्मल बोटिंग भी होती है, तो आप यहाँ से बोटिंग का मजा ले सकते हैं। और बोट के थ्रू आप सिटी पैलेस हो गया, ताज लेक पैलेस को आप देख सकते हैं जो कि यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए है और 1746 में इसे बनाया गया था। हमने यहाँ पे दोनों टाइप की बोटिंग के मजे लिए। ये शाम का व्यू है, इतना प्यारा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप कितने भी देर आके बैठिए नाइट में, आपका मन नहीं भरता है। हम लोग यहाँ से सुकरिया सर्कल चलेंगे
जहाँ पे फूड स्ट्रीट है वहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने की सामान मिल जाता है, स्ट्रीट फूड्स वगैरह वहाँ पे बेसिकली जो है पाव भाजी हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत फेमस है खाने पीने के लिए। यहाँ पे हर टाइप का स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा। अभी हम पहुंचे हैं मानसून पैलेस, जिसको सज्जनगढ़ पैलेस भी बोलते हैं। इसे 1884 में बनाया गया था। इस जगह से उदयपुर का जो व्यू है माउंटेन व्यू बहुत प्यारा दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत प्यारा व्यू यहाँ से दिखता है, क्योंकि काफी हाइट पे है ये मानसून पैलेस। पूरा सिटी का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से चलेंगे महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ पे आप सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हैं और अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। महाराणा प्रताप स्मारक में लाइट एंड साउंड शो होती है इवनिंग में, बहुत प्यारे लाइट एंड साउंड शो होती है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई जाती है महाराणा प्रताप की। पहले हम म्यूजियम घूम लेते हैं, उसके बाद आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है और महाराणा प्रताप जी के स्टेचू के पास चलेंगे। ये कुंभलगढ़ फोर्ट का लेआउट आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने कुंभलगढ़ फोर्ट का पूरा वीडियो बना के डाला था, होपफुली आपने देखा होगा। जैसा कि आपको मैंने उस टाइम पे बताया था कि कुंभलगढ़ फोर्ट पे ही महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ था। इसी जगह पे लाइट एंड साउंड शो होता है जहाँ पे महाराणा प्रताप की हिस्ट्री के बारे में पूरा बताया जाता है। तो अब हम झिलमिल झील रेस्टोरेंट है लेक के जस्ट बगल में, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे हम डिनर करेंगे। बहुत टेस्टी खाना होता है यहाँ पे जो मैंने सुना है। तो चलिए चलते हैं झिलमिल लेक व्यू रेस्टोरेंट। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.